हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको नीव हर्बल हैंडमेड सोप के जितने भी सोप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो सोप इस्तेमाल करने लायक है या नहीं, उनमें क्या क्या मिला हुआ है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। तो मैं इन सारे सोप्स के बारे में एक एक करके आपको बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इन सोप नीव हर्बल हैंडमेड सोप जो 100% सेफ़ है, इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल नहीं है। सबसे पहले है हेयर वॉश सोप, डैमेज फॉर रेड क्ले। इसमें पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल, महुआ ऑयल है, प्योरीफाइड वाटर और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गिल्की सोप है जो भी आपके लिए अच्छा है। इसमें भी ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल, एलोवेरा, बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद कुमकुम आदि फेस वॉश सोप है। इसमें भी सेसमे ऑयल, मंजिस्ता, मंदिया, कुमकुम आदि ऑयल, पाम ऑयल, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट। उसके बाद नीम तुलसी सोप है। इसमें नीम ऑयल, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल, बेसिल ऑयल और बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद है डिवाइन सैंडल सोप। इसमें कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल, पाम ऑयल, सैंडलवुड, रोज़ वुड और सीडर वुड ऑयल है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आलमंड रोज सोप है। इसमें भी ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल, रोज ऑयल, गार्नियर ऑयल, पालमेजर ऑयल, रोज मेरी ऑयल और आलमंड से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एलो नीम ट्री सोप है। इसमें भी नीम, पाम ऑयल, ट्री ऑयल, एलोवेरा वाटर, प्योरीफाई वाटर, लेमन, ऑरेंज, क्लारिस आएगा, सीडर वुड ऑयल, सब कुछ है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद केसर बादाम सोप है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी सैंडलवुड, रोज वुड, सीडर वुड, प्योरीफाइड वाटर, सेसमे ऑयल, आलमंड ऑयल मिले हुए हैं। उसके बाद है मोरिंगा विटेवर सोप। इसमें भी पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, महुआ ऑयल, ले प्योरीफाइड वाटर, मोरिंगा वेटवे, सीडर वुड, ऑरेंज ऑयल मिले हुए, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद है आमला रीटा सिका का हेयर वॉश सोप। ये बालों के लिए है जो बाल धोने के काम आया था, इस आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी अच्छे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। उसके बाद केसर गुलाब सोप्स है। इसमें भी अच्छे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, महुआ ऑयल, बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट आए ये। उसके बाद पाचोली सोप है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल, पाम ऑयल, ले पाचोली ऑयल, लेवेंडर ऑयल, यलंगलिंग ऑयल और सीडर वुड ऑयल मिला हुआ, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद येलो लेवेंडर सोप है। इसमें एलोवेरा है, पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल, ले पाचोली ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, रोज मेरी ऑयल है, रोज वुड ऑयल है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद एंटी डैंड्रफ हेयर वॉश सोप है। ये आपके बालों के लिए सोप्स है जिसमें कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, टी ट्री, बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑलिव रोज सोप है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, महुआ ऑयल और आमला, मुलेटी, नीम, बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। उसके बाद चारकोल सोप्स है, एक्टिवेट चारकोल पाउडर और बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कोई हानिकारक केमिकल नहीं है। उसके बाद डेली स्किन डिटॉक्स सोप्स है, जिसमें भी पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, महुआ ऑयल, पाचोली ऑयल, रोजमली, ऑरेंज ऑयल मिले, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद लेमन ग्रास सोप्स है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें भी लेमन ऑयल, सीडर ऑयल, लेवेंडर ऑयल मिले हुए, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑरेंज सोप है। इसमें पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, महुआ ऑयल, प्योरीफाइड वाटर, ऑरेंज पील पाउडर, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह भी 100% सेफ सोप्स है। उसके बाद है कोलेजन नेचुरल सोप्स, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें भी 100% सेफ इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, इसमें भी बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। उसके बाद है कुकुम्बर सोप, जो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसमें भी कुकुम्बर है, ट्री ट्री है, लेमन है, रोजमेरी और बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, तो आप इसका इस्तेमाल भी कीजिए। इसमें भी कैस्टर और प्योरीफाई वाटर और आप जितने भी मैंने सोप बताए आप उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 100% सेफ़ है, उसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं है। तो नीव हर्बल हैंडमेड सोप के सारे प्रोडक्ट सेफ है। थैंक यू।